भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है, कांग्रेस के नेतृत्व में कमी है, कहां पर कमी है, किन दो सीटों पर जो है वो चुनाव अभी तक जो है वो प्रत्याशी सामने निकलकर नहीं आए। तो आपको बताना चाहेंगे इन दो सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसका मायने जो है वो जो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये पारिवारिक हो जाएगा, इस वजह से जो है वो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिलहाल आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर आशीष हांडा जी बीजेपी नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरे मेहमान हैं संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और थोड़ी देर में हमारे तीसरे मेहमान कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले इन दोनों के पास जाना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर आशीष जी, कांग्रेस जो है वो रायबरेली अमेठी से अभी तक अपना उम्मीदवार उतार नहीं पाई है, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सस्पेंस, दो जो चेहरे बड़े हैं उन पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और राहुल गांधी पर भी बहुत जल्दी फैसला होगा, क्या वजह लगती है कि कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार अपने ही गढ़ में उतरने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी शीतल जी, देखना पड़ेगा यहाँ पे आपके दर्शकों को कि इस समय ये जीत हार की लड़ाई नहीं है कांग्रेस के लिए, ये इस समय तो सिर्फ इज्जत संभालने की, इज्जत बचाने की लड़ाई बन के रह गई है। इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि क्या है कि आपके और मेरे पास भी एक एक हाथ है और कांग्रेस के पास भी एक हाथ है। फर्क क्या है दोनों हाथों में, आज वो समझ लेते हैं। हमारे और आपके पास जो हाथ है उसमें एक अंगूठा और चार उंगलियां होती हैं। ये अंगूठा जो है उंगलियों को बांधने का काम करता है, मुट्ठी बनाने का काम करता है, ताकत देने का, यूनिटी का काम करता है। लेकिन कांग्रेस के पास भी एक अंगूठा है और चार नहीं 55 उंगलियां हो चुकी हैं उसकी, और ये अंगूठा 54 साल का जो बालक है ये इन उंगलियों को तितर बितर करने का काम कर रहा है। ये मैं क्यों कह सकता हूं दावे के साथ, इसलिए कि 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ दी थी तो कांग्रेस को छोड़ने की पहली शुरुआत 1938 में हो गई थी। उसके बाद जब महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस कोई पॉलिटिकल आउटफिट है ही नहीं, तो लोगों को तब भी समझ जाना चाहिए था। इसके बाद जब G23 बना और ऐसे 23 कांग्रेस के MP खड़े हो गए कांग्रेस के आला नेतृत्व के खिलाफ, जिन्होंने ये कहा कि हमें आपके नेतृत्व पे भरोसा ही नहीं है, जिसमें इतने बड़े बड़े नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, अनंत शर्मा, एंड लिस्ट लंबी है, उतना टाइम में आपका नहीं लूंगा। इसके बाद शीतल जी आप ये समझिएगा, क्या आपने आज तक कोई एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी है जिसके 9 मुख्यमंत्री उस पार्टी को छोड़ के चले गए हो? मैं कांग्रेस के ऐसे 9 मुख्यमंत्री के नाम आपको बताता हूं जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, जो अपने आप में एक अजूबा है। अशोक चौहान महाराष्ट्र से, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से, विजय बहुगुणा उत्तराखंड से, MS कृष्णा कर्नाटका से, ठीक है, किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश से, दिगंबर कामत गोवा से, NT तिवारी उत्तराखंड से, जगदम्बिका पाल यूपी से, और प्रेरणा कांदेम्बू अरुणाचल प्रदेश से। इसके अलावा मेरे पास ऐसे 33 बड़े नेताओं के नाम हैं, ठीक है, अगर आप समय देंगे तो बताऊंगा, जिन्होंने कांग्रेस को लात मार के इस डूबते हुए जहाज से किनारा करने का फैसला कर लिया, क्योंकि कांग्रेस ने उनके सामने विकल्प ही नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने उनके सामने बताएगा, वो तो सही वक्त बताएगा। राहुल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समय समय सबको बराबर देना है। राहुल जी देर से जुड़े, आप बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राहुल जी, क्या स्थिति है रायबरेली और अमेठी को लेकर, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, आप अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? क्या आपको अपने नेतृत्व पे, अपने जो नेता हैं उन पर विश्वास नहीं? क्या अमेठी जो और रायबरेली जो आपका गढ़ माना जाता है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जहां पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी चुनाव लड़े हैं, वहां आप अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं? राहुल जी, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जी जी, देखिए ऐसी बात है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारे कमिटीज से चलती है, ठीक है, बहुत बहुत कमिटी है जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, और हम एक संगठन के रूप में
काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया होगा बहुत बढ़िया होगा। आप देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को जबरदस्ती उनको अपना कैंडिडेटशिप वापस लेने पे मजबूर किया जा रहा है, उनपे केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के डकैत हैं ये लोग, जो चंडीगढ़ में किया वही राजकोट में हुआ, वही एमपी में करने की कोशिश की जा रही है। राहुल जी, मेरी बात समझिए, क्योंकि मेरे पास हम अपने कैंडिडेट जी हम अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे जब भी करें, और चुनाव के बहुत दिन पहले कर देंगे, वहां पे अभी चुनाव होने में टाइम है। और दूसरा चीज कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में इतना चिंता कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ये नहीं बता रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को कैसे कैंडिडेट बना दिया एमपी के लिए। बीजेपी का नाम क्यों लिया, बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं है वो, क्योंकि बीजेपी ने प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट को कैंडिडेटशिप दिया। क्यों अपना बीजेपी ने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, गलत कह रहे हैं। क्या वो बीजेपी के नेता हैं? बिल्कुल नहीं, वो बीजेपी के नेता है ही नहीं, बीजेपी पर एक्शन ले ही नहीं सकता। सवाल कर रहे हैं आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप फिर से जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइएगा ना, जब आप झूठ बोलते हैं क्यों आपको छोड़ के गए, जतिन प्रसाद क्यों आपको छोड़ के गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको क्यों छोड़ के गए, अनिल एंथनी आपको क्यों छोड़ के गए, बाबा सिद्दीकी आपको क्यों छोड़ के गए, मिलन देवड़ा आपको क्यों छोड़ के गए, कपिल सिब्बल आपको क्यों छोड़ के गए, गुलाम नबी आजाद आपको क्यों छोड़ के गए, हार्दिक पटेल आपको क्यों छोड़ के गए, अश्विनी कुमार आपको क्यों छोड़ के गए, सुनील झाकड़ आपको छोड़ के गए दीपक सक्सेना ने आपसे किनारा क्यों किया, गौरव बल्लभ ने जनता को रोकना चाहिए।